एकदम बढ़िया सा जल्दी बनने वाला और टेस्टी बनने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम तीन चीज़ों की ज़रूरत है। चिल्ड मैंने दूध लिया है, ये फ्रेश चीकू लिया है और शक्कर। तो अभी हम क्या करें, चीकू का अच्छे हमने अच्छी तरह से धो लिया है, तब इसका हमें कवर निकालना है। अभी इसका ऊपर का हम कवर निकाल लेते हैं। और जब आप चीकू चॉइस करने जाओगे तब चीकू फ्रेश लेना है, थोड़े नरम लेना है, और जब आप जूस बनाओगे तब उसे टेस्ट कर लेना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चीकू में भी खट्टापन होता है, तो हमारा जूस बिगड़ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अच्छी तरह से चेक करके चीकू लेना है और उसके बाद ही हमें टेस्ट करके जूस बनाना है। इस तरह से जितने भी मैंने चीकू लिए हैं उसका ऊपर का कवर निकाल देते हैं। अभी चीकू का ऊपर का कवर हमने निकाल दिया है तो इसके हम पीस कर देते हैं इस तरह से, और बीच में की जो बीज है वो निकाल देते हैं। इस तरह से ये बीज निकल जाना चाहिए। अगर ये बीज गलती से भी अगर अंदर रह जाते हैं मिक्सी में तो आपका जूस खराब हो जाता है। इस तरह से हम सभी का छोटे छोटे पीस बना देंगे। इसे हमें मिक्सर में ही करना है पर बीज निकालना ज़रूरी है इस तरह से। अभी इसमें जितने भी मैंने चीकू को कवर निकाले हैं उसमें एक कच्चा निकला है इस तरह से। ये बहुत कड़क है, मीन्स हम इसे नहीं डालेंगे, इसे साइड पर रखेंगे। अगर इसे डालते हैं तो हमारा टेस्ट बिगड़ जाता है, तो इसे साइड पर रखेंगे। और इस तरह से वो जो दूसरे हैं उसके भी मैं छोटे छोटे पीस बना लेती हूँ। इसके बीज हमने निकाल दिए हैं और छोटे छोटे पीस बना दिए हैं, तो बीज को साइड पर रखते हैं और इसे मिक्सर में ट्रांसफर करते हैं। अभी इसे मिक्सी में चला लेते हैं। थोड़ा हमने मिक्सी में चला लिया है तो अब हम क्या करके इसमें हम शुगर डाल देते हैं। अगर आपको शुगर नहीं डालना है तो आप बिना शुगर के भी बना सकते हो, पर अगर दूध डालते हैं तो थोड़ा फीका सा आ जाती है, इसलिए मैं 3-3.5 चम्मच टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ और इसके साथ थोड़ा सा दूध पहले डालूँगी, उसके बाद मिक्सी में वापस कर दूँगी। अच्छी तरह से पेस्ट बन गई है तो और इसमें हम दूध ट्रांसफर करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। वापस मिक्सर पे चला लेते हैं। इस तरह से हमारा जूस तैयार हो गया है। मैंने दूध इतना लिया था तो जितना अंदर आया उतना ही मैंने लिया है, बाकी का इतना बचा है तो वो साइड पे रखा है। तो अभी हम इसे ग्लास में ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से अभी इसे हमें ट्रांसफर करना है। एकदम हेल्दी जूस, आप बाहर से मंगाते हो इसे तो बेटर है, घर से आप बनाइए और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। चीकू जूस ज़बरदस्त। इस तरह से चीकू जूस बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो वीडियो ज़रूर फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।